स्टूडेंट्स, हम लोग क्या सीखे थे लास्ट वीडियो में? आर यू रिमेम्बर? हम लोगों ने 12 करी, जो 12 12 वर्ड 12 अक्षर है, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः, कितने हो गए? 12 हो गए ना? मैंने बताया था ना ये 12 है। और इसी को हम लोग, जैसे आप लोगों ने सीखा है क ख ग ग क ख ग ग च छ ज ज आ ट ठ ड ड त थ द घ प फ व व, ये सब सीखा है ना? तो उन सभी को इस 12 खरी में हम लोग लिखते हैं। दूसरों हमने लिख लिया था क ख ग ख लिख लिया था, च छ ज झ लिख लिया था, आज हम लोग आगे लिखेंगे डाटा डाटा से लिखेंगे। और क्या सीखे थे? मात्रा सीखे थे हम लोग। ये मात्राएं जो होती हैं, जैसे आ की ये मात्रा है, छोटी ई की ये मात्रा है, बड़ी ई की ये मात्रा है, छोटा ओ की ये मात्रा है, बड़ा ओ की ये मात्रा है, ए की ये मात्रा है, ऐ की ये मात्रा है, ओ की ये मात्रा है, औ की ये मात्रा है, अंग का ऊपर बिंदु देना है और अंग में दो डॉट देना है। तो ये याद हो गया आप लोगों को? इसको लिखते लिखते सब याद हो जाएगा। अगर सभी लेटर का आप लोग 12 खड़ी लिखते जाते हो तो भी याद हो जाएगा, डोंट वरी। इसमें बहुत ये टेंशन की बात नहीं है। जैसे जैसे जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस होता जाएगा, इसलिए लिखने का ज्यादा प्रयास करो। एक तो ये मैंने लिखा, आप लोग नोटबुक में लिखे, और फिर एक और रफ कॉपी रखो जिसमें कि बार बार लिखो, बार बार लिखो, तो हमेशा के लिए आ जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को खुद करना है, क्योंकि अभी ऐसी पढ़ाई चल रही है ना, मोबाइल देख देख के पढ़ने वाला, तो आपको मोबाइल में देख करके पहले तो लिख लिया एक कॉपी में, अब उससे उतना से तो याद होगा नहीं, तो क्या करेंगे याद करने के लिए, सीखने के लिए? उसको दूसरी नोटबुक में लिखेंगे देख करके, फिर क्या करेंगे, पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। जैसे कि बिना देखे हम बोल रहे हैं, अभी देखना नहीं है, अब बोले टा टी टी टू टू टे टे टो टो टंग टंग, अब ये मुझे याद है। अब इसको मैंने देखना नहीं है आप लोगों को, अब एक नई दूसरी पेज में, दूसरी नोटबुक में इसको लिखना है, जो आप बोल रहे हो, जो उच्चारण कर रहे हो, सेम चीज लिखना है। अभी इसको नहीं देखना है, मान लिया कि हम नहीं देख रहे हैं, अब यहाँ क्या करना है, ऐसे लिख लिया, जो मुंह से उच्चारण किए उसको लिख लिया। मान लिया गलती हो जाती है, अभी बच्चे बच्चों से गलती हो जाती है, सभी से गलती हो जाती है, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, गलती हो गई, गलती होती है तभी तो सीखते हैं। गलती हो गई, रब कर दिया, कट कर दिया, फिर दोबारा लिखेंगे, जब तक कि सही सही लिखना ना आ जाए तब तक लिखते रहेंगे। गलती होने से, गलती हो गई तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। हाँ, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, फिर दूसरी बार लिखेंगे और आप देखोगे कि आपको आ गया बिना देखे लिखे लिखना, बिना देखे एकदम सही सही लिखना आ गया। फिर जब आप मैच करोगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल सही है। तो ये चीज आपको खुद से करना है, हाँ खुद से आपको करना है।
फिर जब स्कूल खुलेगा तो आपको सब आता रहेगा, फिर आप अच्छे से वर्ड लिख लोगे। अभी मैं बोलूंगी टंकार लिखो, तो टंक लिखना आएगा, फिर तो आप कहा लिखना आएगा तब तो लिखोगे। अभी मैं बोलूंगी कि टिकट लिखो, तो टिकट टी लिखना आएगा कि ट को टी कैसे बनाते हैं, तो आप लिख लोगे। बिंदी लिखो, तो बी ब को बी कैसे बनाते हैं, ब को बी कैसे बनाएंगे, तो ये आप खुद से लिख लिख के सीखे रहोगे, है ना। तो डोंट वरी, सब आ जाएगा। फिर क्या है, ट के बाद कौन सा अक्षर आता है, ठ। फिर सेम ऐसे ही लिखेंगे, हाँ, थ्री थ्री टू टू थे थ्री फो थो थम थम। उसके बाद क्या आता है, ठ के बाद ड। फिर सेम ऐसे हर बार बोल बोल के लिखना है, हर बार बोल बोल के उच्चारण करते हुए लिखना है, तभी आप लोगों को जल्दी आ जाएगा। डी डी डू डू डे ड्रेन डो डव डम ड, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है अक्षर, बोलो ढ। ढ कैसे लिखते हैं ये भी ध्यान देना है। ये हो गया ढ से ढक्कन, ड से डमरू, डमरू वाला याद रखना कि कौन सा है। बच्चे ऐसे पूछते ड कैसे लिखते हैं मैम, डमरू वाला ड, ढक्कन वाला ढ, तो जैसे भी याद हो पर याद प्रॉपर्टी सही सही लिखना है। ढ में यहाँ नीचे बिंदु होता है, ऐसे ड की तरह लिखे, ड की तरह लिखे, फिर इसको थोड़ा गोल किए ऐसे, हाँ गोल कर देना और यहाँ पे बिंदु देना है, इजी है। इसमें क्या है, ऐसे किया, ऐसे ट की तरह किया, फिर जरा सा गोल कर दिया, फिर नीचे बिंदु डाल दिया, ठीक है जी। फिर ऐसे किए, फिर इसको गोल किए, फिर यहाँ पे बिंदु दिए और मात्रा लगा दिए बड़ी ई की, ठीक है। फिर यहां से ऐसे डू डू ये दो सौ ढाई दो नौ डाटा के बाद क्या आता है, अड़ा आता है इसमें, है ना, अड़ा ऐसे वाला अड़ा, चरण में ये वर्ड यूज होता है, ये अड़ा चरण जब वर्ड हम लोग यूज करते हैं, चरण स्पर्श, किसी का पैर छूते हैं ना तो उसको चरण स्पर्श कहना कहते हैं। तो चरण वर्ड जब लिखेंगे, जब ऐसे पैर लिखते हैं तो ये छोटा ड होता है, पर जब चरण लिखते हैं तो ये ऐसे ये वाला ड यूज करते हैं। प्रणाम उसमें भी ये वाला ड यूज करते हैं, जैसे प्रणाम वर्ड लिखने आता तो प्रणाम, उसमें ऐसे चर न ऐसे लिख दिया या प्र नाम ऐसे लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हाँ यही सब सीखना रहता है। तो इससे
प्रैक्टिस होगी और उतना अच्छे से आएगा। इसलिए लिखने से भागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके लिखो, ये नहीं कि लगातार लिख रहे हैं। थोड़ा लिखो, थोड़ा खेलो, फिर लिखने बैठो, फिर खेलो, फिर खाना खाओ, फिर लिखने बैठो, ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना। ना लिख लो, इसको उतारो, फिर मैं ता का बताती हूँ। अब ता की बारी आई, तो तथा के बाद क्या आता है? द, द, दी, दी, दू, दू, दे, दै,
से खाली रहता है। ये जो है घर है, यहाँ खाली है ना पूरा, ऐसे देखिए ये घर है, ये घर है, पूरा रहेगा तो घ हो जाएगा। जैसे घर घर लिखते हैं तो पूरा में देते हैं ऐसे ना, घर पूरा में दिए घर ऐसा वाला, और ये खाली वाला देते हैं कैसे, ऐसे धारा धारा। देखो यहाँ पे खाली है तो ये धारा हो गया, ये घर हो गया, घर वाला घ धारा वाला घ। जे गई गो गौ गम के बाद ये बड़ा सा है, अब छोटी ना आती, छोटा वाला ना आता है ना, ना फिर वैसे ही सेम प का पी पी पे पई ओ पौ पं प प का पी यहाँ मिसिंग है क्या, पी पी के बाद कुकुर होगा, कुकुर
वही वो बहु बम व ये पापा बाबा का पापा बाबा माँ का ये हो गया 12 खड़ी। इसी तरह जैसे आपने और भी वर्ड और भी अक्षर सीखे हैं य र ल व श ताल में श मूर्धन्य श दंत श अक्षर त्र ज्ञ सब के ऐसे 12 खड़ी लिखे जाते हैं। स तीन आपने सीखा है ना, तो इसको बोलते हैं ताल में श ताल में स। सबका स नाम है, स सभी है, इसको श श ऐसे श बोलते शिव। तो इसका उच्चारण तालु से होता है, जो तालु होता है ना अंदर, इसीलिए इसको ताल में स करते हैं। तालु में जिह्वा जब जब हमारा टंग तालु से स्पर्श करता है तो ये इसका उच्चारण है श, तो ये ताल में स कहलाता है। क्या कहलाता है? ता लव्य तालव्य श। और क्या होता है? ये वाला हिस्सा है इसका जब टंग हमारा मूर्धा मूर्धा एक यहाँ पे होता है वो मूर्धा से स्पर्श होता है तो इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मूर्धन्य मूर्धन्य श। और एक और सा होता है र वाला ऐसे वाला, इसका जो उच्चारण करते स स स, तो यहाँ पे दंत जो है स स स, तो ये दांत से इसकी में टंग का स्पर्श होता है तो इसीलिए दंत स इसका नाम है दंत स। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो कौन सा स? अभी बच्चे कैसे बोलते हैं कि ये शंकर भगवान वाला स शिव वाला स, किसी का नाम है कुछ शिवांश या कुछ स से, तो वो बोल देंगे कि वो वाला स। और ये बोलेंगे प वाला स, ये र वाला स, तो ये गलत है। आप लोगों को सीखना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए तालव्य स मूर्धन्य स दंत स। और मैंने क्या सिखाया? ह्रस्व ईकार दीर्घ ईकार, ह्रस्व ओकार दीर्घ ओकार। ठीक है, आकार इसको बोलते हैं आकार ईकार, और इसमें ईकार में ह्रस्व ईकार दीर्घ ईकार ओकार।
ह्रस्व उकार दीर्घ उकार ऐसे बोलना सीख जाओ। तो इसी तरह जैसे य का आ गया तो य या ई उ ए ऐ ओ औ यं य र रा री रु रू रे रै रो रौ रं र ऐसे जो भी आपके बुक में दिया है सबका अब संयुक्त जैसे है अब स का भी लिख सकते हो श शा शी शी शु शु शे शे शो शो सं च अब फिर ये वाला स स सा सी सी सु सु से से सो सब सं च है ना। इसी तरह त्र का है त्र त्रा त्रि त्रि त्रु त्रु त्रे त्रै त्रो त्रो तं त्र ज्ञ ज्ञ गी गी गु गु गे गे गो गो ग ग ऐसे ही ल ला ली ली लु लु ले ले लो लौ लं त्र व वा वी वी वु वु वे वै वो वो वं व हा हा ही ही वु वु ए है वो हौ अं अं। तो इस तरह से ये सारे 12 फरी वाले चैप्टर आपके समाप्त होते हैं। अब क्या रहा ओनली प्रैक्टिस डू प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस एंड मोर दैट मोर प्रैक्टिस सो मेनी प्रैक्टिस यू हैव डू एट होम। अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करो बार बार लिखो देख देख के लिखो बिना देखे बोलो और याद कर लो। ठीक है तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।